आप अगर ये कहें कि मैं इंडिया जाऊंगा और इंडिया जाके सबसे पहले तो अगर आप एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं आपका इतना कदकाठ हो कि आप जाएं तो लोग आपको हाथों हाथ लें, आपको वो कदकाठ नहीं है, आप अपने तौर पे गए, आपने जाके हीरो बनने की कोशिश की और आप नाकाम हो के आ गए, आपने अपनी तो इज्जत करवाई सो करवाई, आपने हमारी भी बेइज्जती करवाई। बिलावल ने एक स्टांस दिया हुआ है तो अपनी फेम के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेम के लिए उसने दिया होगा, हीरो बन जाऊंगा, इसका ओवरऑल स्टेट का कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तो अगर आप एक एटॉमिक पावर है लेकिन आपके पास बम बनाने के पैसे नहीं है, आपके पास जहाज उड़ाने के लिए, जैसे भी बाजवा साहब के लास्ट डे हामिद मीर साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया था नसीम जारा के शो में कि जी हमारे पास तो टैंक चलाने के लिए फ्यूल नहीं है, तो आप एटॉमिक पावर हों भी लेकिन अगर जंग लग जाए और आपके पास पैसे ही नहीं होंगे अपना फ्यूल डलवाने के लिए भी, तो आप एटॉमिक पावर घर बैठ के बम चला सकते हैं, बाहर तो नहीं चला सकते। लड़ाई ही हमारा मसला है, लड़ाई मसले का हल नहीं है, ज़मीनी मसलों का हल निकालो, खुदाई मसले का हल नहीं है। यार उनके नैरेटिव में सदाकत शायद हो शायद ना हो, लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है हम उसे सही तरीके से कोप नहीं कर रहे, हम उसको काउंटर नहीं कर रहे, हम जो भी हमारे यहाँ पे हो रहा है हम लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो उस नैरेटिव को बिल्ड करें, प्रॉबेबली हम प्रमोट नहीं कर रहे इसको, टेररिज्म को हम प्रमोट नहीं कर रहे, इंतहा पसंदी को, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उसको ख़त्म करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। या इस वक्त एक इमर्जिंग इकॉनमी है, उस पर कोई इस तरह के स्टेटमेंट असरअंदाज नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त आप ये देखें ना कि दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की एक बेहतरीन पोजीशन है, उसके ताल्लुकात अब ये G20 में देखें, हाँ बिल्कुल उसका एक अपना एक वर्थ है, तो इस तरह के मेरे ख्याल में कोई इंडिया को नुकसान नहीं है। हम बचे थे अपने इर्द गिर्द जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ बेहतर हैं या नहीं बेहतर, फिर मैं आगे मज़ीद क्वेश्चन। अगर रिलेशन पे मैं कंपैरिजन करूं मतलब पास्ट को देखते हुए तो अभी तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस नहीं है किसी भी कंट्री के साथ। रिसेंटली 4 तारीख को, इसी मंथ की 4 तारीख को 5 तारीख को बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट पे गए, वहाँ पे उन्होंने SCO की मीटिंग अटेंड की, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग अटेंड की, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज किया गया उनकी स्टेटमेंट को लेके, किसी ने G20 की मीटिंग के बारे में पूछा जो कश्मीर में होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी या दुनिया याद रखेगी। आप ये बताएं कि हम इंडिया की अगर बात करें रिलेशन बेहतर करने चाहिए या इस तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए, और सेकंडली क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ऐसा कोई भी जवाब दे सकें या इवन ऐसी स्टेटमेंट भी दे सकें। देखें जी, इस पे मेरा ज़ाती ख्याल है, सबसे पहले जो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो माजी में भी बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं जिन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी और देते आ रहे हैं, और जिस तरह की अभी हमारी करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, तो बिल्कुल भी इस तरह की स्टेटमेंट तो नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें इस वक्त बेहतर सिचुएशन की तरफ आने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजिकल प्लान्स कोई हमें एग्जैक्टली पॉलिसी के अलावा ना सारी चीज़ मैटर करती है कि आप इकोनॉमिकली कहाँ खड़े हैं। ये तो आप देखें घरों में या फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है कि अगर एक घर में सपोज 4 लोग रहते हैं और 2 लोग फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छे हैं और 2 लोग अच्छे नहीं हैं, तो ताल्लुकात उन्हीं के अच्छे होते हैं जो फाइनेंशियली तौर पे अच्छे होते हैं। जहाँ पे लीडर्स या जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा 14-15-20 करोड़ लोगों का मैटर कर रहा होता है, तो वहाँ पर ये नहीं होता कि कोई किसी को कितना अच्छा लगता है, बेसिक बात होती है कौन किसे क्या गेन कर रहा है। दुनिया एक मार्केट है, चाइना हमसे तब तक गेन कर रहा है तब तक हमारे साथ है जब तक पाकिस्तान उसकी सारी चीज़ें परचेज कर रहा है, उसको इकोनॉमिकली हम लोग फ़ायदा दे रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिकली बहुत बेहतर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, इंडिया जितनी हमारी मार्केट हो जाएगी हम दुनिया को उतना फ़ायदा दे रहे होंगे, हमारे ताल्लुकात भी सबके साथ अच्छे होंगे, अदरवाइज़ अफगानिस्तान के भी हमारे साथ, हमें तो दुनिया में कोई मुल्क भी संजीदा लेदा नहीं है और हमारे साथ राज़ी नहीं है। सो एवरीथिंग सब कुछ मैटर करते हैं इकॉनमी पे, हमारी इकॉनमी अच्छी है तो सब अच्छा है। यही चीज़ है, ये देखें जो यूथ है पाकिस्तान के एजुकेटेड लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हमें सबसे पहले फोकस करना है अपनी इकॉनमी के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करना है बजाय बड़ी बड़ी, अच्छा ये जो हम बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं, इवन धमकियां दे देते हैं कि हम एक एटॉमिक पावर हैं, 1 सेकंड में ये कर देंगे, 10 सेकंड में वो कर देंगे, जिन लोगों को हम धमकियाँ देते हैं क्या वो एटॉमिक पावर नहीं है और उनकी इकॉनमी हमारे से कई गुना ऊपर है यार, क्या कहें? एटॉमिक पावर है, समटाइम्स आपको अपनी ये चीज़ भी रखनी पड़ती है, और चूंकि अगर आपके पास ये नहीं होता तो प्रॉबेबली हमारे हालात अब 2-3 कंट्रीज़ ऐसे हैं, एक सऊदीया है, एक ईरान है और एक पाकिस्तान है शायद, जिनको ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, और थ्रेट हो भी तो लोग इस तरह नहीं करते, चूँकि आप एक एटॉमिक पावर हैं, एटॉमिक पावर का बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन एटॉमिक पावर की वजह से शायद हम लोग उतना एक्सेल नहीं कर सके जितना हमें करना चाहिए था, प्रॉबेबली हमारी इकॉनमी बेहतर होती तो हमें ये धमकियां देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। हमें रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, बेहतर होते तो हमें ये चीज़ें बेहतर करने, लेकिन बहरहाल अब हम एटॉमिक पावर हैं तो हैं,
हमें फख्र है इस चीज़ पे, लेकिन अल्टीमेटली सारी चीज़ ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो आपकी एटॉमिक पावर आप अपने आप में एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप एक एटॉमिक पावर हैं लेकिन आपके पास बम बनाने के पैसे नहीं है, आपके पास जहाज उड़ाने के लिए, जैसे भी बाजवा साहब की लास्ट डे हामिद मीर साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया था नसीम जारा के शो में कि जी हमारे पास तो टैंक चलाने के लिए फ्यूल नहीं है, तो आप एटॉमिक पावर हों भी लेकिन अगर जंग लग जाए और आपके पास पैसे ही नहीं होंगे अपना फ्यूल डलवाने के लिए भी, तो आप एटॉमिक पावर घर बैठ के बम चला सकते हैं, बाहर तो नहीं चला सकते। तो अभी इस टाइम अगर जंग होगी या हो रही है वो तो इकोनॉमी की जंग हो रही है, हम ये सुन ली। अभी जो शिदात भाई ने कहा बिल्कुल मैं 100% एग्री करूँगा इनके साथ। अभी बेसिकली हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली स्पेशली, और हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम इस तरह की चीज़ें करें जिससे मजीद हालात बुरे हों बेहतरी की तरफ ना आए, तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और वही के बेहतर पॉलिसीज बनाएं ताकि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने के बजाय बेहतरी की तरफ आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सब कुछ बेहतर होगा। अगर आपके कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं और एक्सपीरियंस चलते रहेंगे, कभी प्रोजेक्ट इमरान खान प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ऐसे करके अगर आप ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सरमायाकारी आएगी तो लोग आपके मुल्क में आएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगा। लेकिन अगर अगर बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए हैं और उनकी किसी वजीर खारजा के साथ एक बड़ी अच्छी टर्म्स बन जाते हैं एंड उनको भी पता नहीं है कि अगले 6 महीने में बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा होंगे या नहीं होंगे, मतलब दुनिया में किसी कोई आइडिया नहीं है कि अगले 6 महीने में 4 महीने में आपके साथ क्या हो सकता है, पावर में कौन होगा, एवरीवन नोज के पावर में कौन है। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इदारे अपनी अपनी दूध में रह के काम करेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी तो सब कुछ बेहतर होगा। ये बड़ी ऑथेंटिक बात है कि देखें जब तक लेट्स सपोज अगर हम इंडिया के विजिट पे गए, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे गए, कोई डील हो भी जाती या करने की कोई बात भी होती, इंडिया वाले सोचते भी तो वो ये ज़रूर सोचते कि ये शायद 2 दिन के लिए फॉरेन मिनिस्टर हैं या 10 दिन के लिए या 10 मंथ के लिए फॉरेन मिनिस्टर हैं, और सेकेंडली ये 10 साल के लिए भी रहें तो इनके पीछे जो इन्हें हैंडल कर रहा है, जो अदारे इन्हें चला रहे हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं या फिर हमारी नेशनल पावर्स हैं, हमें डायरेक्ट उनसे डील करनी चाहिए बजाय ये डमी जो हमारे मिनिस्टर्स रहते हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? टोटली एग्री है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि अगर हर किसी को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में जो भी एक पार्टी आएगी उसको अपनी टर्म कम से कम 5 साल के लिए हो, वो अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री चलाएं, उनके अपने व्यूज़ हों, उसके बाद फिर देखें लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अदरवाइज हमने 75 साल में 77 साल में चूँकि हम जिस फेज से गुजर रहे हैं, वी वर टोल्ड के यूथ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यूथ आएगी और अगले 10-20 साल में, इस वक्त यूथ का हम बच्चे थे, आज से 5 साल पहले तक हमारा सबसे बड़ा नारा होता था पाकिस्तान जिंदाबाद, और अब पाकिस्तान से जिंदाबाद। So, इसी पे बात करते हैं, हमें कहा यही जाता है कि पाकिस्तान में मेजोरिटी यूथ की है, ऑलमोस्ट 53% आई थिंक इसके राउंड अबाउट है, ठीक है, लेकिन अभी रिपोर्ट ये आई है कि 8.5 से 9 लाख के करीब जो हमारी यूथ है, जो हमारे बैचलर्स हैं, वो ब्रेन ड्रेन हुआ है, मतलब यहाँ से पढ़े लिखे लोग बाहर चले गए हैं, तो यहाँ पे तो वही पुराने दिमाग और पुरानी सोच रहेगी, तो ऐसे तो चेंज नहीं आएगा यार। चेंज लाने के लिए ना चेंज आएगा ग्रास रूट लेवल से, चेंज आएगा जब आपके अगेन सारे इदारे चेंज होंगे, और आप देखें सबसे बड़ी चीज़ कि आपके जितने लोग यहाँ पे CSS करते हैं, आप एक फैमिली में देखते हैं, ये चीज़ वैसे देखने को बड़ी अच्छी लगती है सुनने को, एक घर है, एक घर की 6 बेटियों ने या 6 बेटों ने CSS कर लिया, अच्छा ऐसे उन 6 लोगों में क्या है कि वही 6 लोग कर सकते हैं और बाकी जो 1,000, 10,000, 20,000 लोग हैं वो नहीं कर सकते। वाई इज़ दिस सो कि एक ब्रिगेडियर का बेटा है तो वही ब्रिगेडियर बन सकता है, एक जज साहब का बेटा है तो वही जज बन सकता है, और लोगों में कैपेबिलिटीज़ नहीं है, हैं। सबसे बड़ा जो इशू है ना हमारा सिस्टम, वो सपोर्ट कर रहा होता है उन्हीं लोगों को जो सिस्टम के आला एकार, जो सिस्टम को ऑलरेडी सिस्टम के अंदर होते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज सो सिस्टम जब तक ग्रास रूट लेवल से चेंज नहीं होगा तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ग्रास रूट लेवल से चेंजिंग का मतलब ये है पोलिटिकल एफिलिएशन असाइड, कि जब हमारी बात हुई कि जी हम गवर्नमेंट इदारों में, गवर्नमेंट स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में एक ही सिलेबस लाएंगे, चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होंगी। अदरवाइज व्हाट डू यू थिंक, अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और मेरे पास लम्स की डिग्री होगी तो प्रेफरेबल लम्स वाला होगा, पंजाबी यूनिवर्सिटी वाला नहीं होगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी वाला पर्सन चाहे कैपेबल ज़्यादा हो लेकिन बिकॉज उसके पास वो सूटेड बूटेड चीज़ें नहीं है, उसके वो रेफरेंस नहीं है। सो हमारे ग्रास रूट लेवल से चेंज होगा, यही लोग पॉलिटिकली चेंज आएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ये चीज़ें सबसे पहली चीज़ ग्रास रूट लेवल से चेंजिंग होगी तो कुछ चेंज होगा। अदरवाइज ऐसे हमने अपनी आधी उम्र गुजार ली है, आप लोगों ने गुजार लिया, हमारी अगर नस्लें भी ऐसी गुजारेंगी। अच्छा,
उन्होंने स्टेटमेंट दी है, लास्ट में बस ये पूछूंगा जो स्टेटमेंट का आपको बताया, और यहाँ पाकिस्तान में आके उन्होंने उसकी फिर जस्टिफिकेशन ऐसे दिया कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ये कोई धमकी नहीं थी, हम कहना कुछ और चाहते थे लेकिन कुछ और समझ आई। क्या इतने बड़े लेवल पे ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कोई बात कहना चाहूँ और वो आप कुछ और समझें? डेफिनेटली आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ हमने ऐसा हीरो बनने की कोशिश की कि पाकिस्तान में मैं आऊँगा तो पता चलेगा कि जी बिलावल भुट्टो साहब इंडिया के, इंडिया में जाके ललकार के आगे वहाँ पे, ये चीज़ें मतलब हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है। यार अगर ललकारने की बात है, इंडियंस कभी पाकिस्तान नहीं आए, जब तक लास्ट टाइम एक मोदी साहब आए थे मियाँ साहब के उसमें, उसके बाद से नहीं आए, या पॉलिटिकली तौर पर वो नहीं आए, लेकिन वो अपना ललकार रहे हैं और ललकारने के बाद दुनिया उनको सुन रही है। जब उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक किया और वी वर टोल्ड कि नहीं किया गया होगा, खान साहब ने भी कहा, बाजवा साहब ने भी कहा, लेकिन दुनिया ने उनका नैरेटिव परचेज किया कि उन्होंने बालाकोट का स्ट्राइक किया था। वो अब हमारे पाकिस्तान में नहीं आते, लेकिन वो वहाँ पे बैठ के नैरेटिव बना रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है और दुनिया उनकी बात मान रही है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें करने के लिए आपका अगर अपना कोई दुनिया में से हो तो आपको दूसरे कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे बैठ के ही स्टेटमेंट्स देते हैं और दुनिया उनको सुनती है। आप अगर ये कहें कि मैं इंडिया जाऊँगा और इंडिया जाके सबसे पहले, तो अगर आप एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं आपका इतना कदकाठ हो कि आप जाएँ तो लोग आपको हाथों हाथ लें, आपको वो कदकाठ नहीं है। आप अपने तौर पर गए, आपने जाके हीरो बनने की कोशिश की और आप नाकाम हो के आ गए, आपने अपनी तो इज्जत करवाई सो करवाई, आपने हमारी भी बेइज्जती करवाई दुनिया में। आप इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखें, होने चाहिए, बराबरी की सतह पे होने चाहिए, लेकिन ट्रेड होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए कि आप अपना कदकाठ बनाने के आप दुनिया में शो करने के लिए आई एम समथिंग। मैं एक वजीर खारजा हूं जो इंडिया गया था, आपने कुछ भी नहीं किया, इंडिया वालों को ललकार के आ गया उनके, यानी हीरो हमें बनने का शौक है कि हम यूनाइटेड नेशन में गए और वहाँ पे हमने वो फाड़ दिया, बिल फाड़ दिया, हम इंडिया गए, इंडिया में ललकार के आ गए, हमने ये कर दिया, जबकि पूरी दुनिया इस चीज़ को नेगेटिव लेती है। हम शायद समझते हो कि भाई बड़ा बहादुर लीडर है, भाई दुनिया क्या देख रही है, दुनिया हमारे पर्सपेक्टिव को कैसे समझ रही है, लैंग्वेज मैटर करती है। आप वो कहते हैं कि खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की आँख से, अगर आप में वो कैपेबिलिटी हो कि आप बात करें और लोग उसको बाय करें, आपको इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे धमकियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब सिंपल ये कह सकते हैं कि मतलब अगर आप कुछ करेंगे तो हम देख लेंगे, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इतना से कुछ काफ़ी होता है। आपने ये बात की कि इंडिया वाले वहाँ पे ही बैठ के एक नैरेटिव पूरी दुनिया को बना के दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हैं, तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में क्या टेररिस्ट ग्रुप मौजूद नहीं है? क्या आपके ख्याल के मुताबिक, मतलब पाकिस्तानी जो पब्लिक है, पाकिस्तानी एजुकेटेड यूथ है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में टेररिज्म इस टाइम मौजूद है या नहीं? यार पाकिस्तान में टेररिज्म है और टेररिज्म बड़े ग्रासरूट लेवल पे है। सबसे बड़ी ग्रासरूट लेवल पे ये देखें कि आप महीना एक डेढ़ माह पहले की आपको बात बताता हूँ, हम मुगलपुरा के एरिया में रहते हैं, मेरे मामू की डेथ हुई और उनका नाम था सैयद अमजद अली शाह। वो जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस मोहल्ले में मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते थे, बच्चे वहाँ पर गए उनका ऐलान करवाने के लिए कि आप ऐलान कर दें कि उनकी डेथ हो गई, और इमाम साहब ने नाम सुन के ऐलान करने से इनकार कर दिया। ऐलान करने से मतलब क्यों उनका इनकार कर दिया कि उनका हमारे फिरके से ताल्लुक नहीं है, वो शायद अहले तशय्यो से हैं तो हम इनकार नहीं करेंगे, ऐलान नहीं करेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, उसके ऊपर फिर उनसे बच्चों ने थोड़ा सा वीडियो बना ला, फेसबुक पे लगा ली, और उसके ऊपर वो मौलवी साहब ने, और ये मैं आपको लिटरली मेरे पास इसकी वीडियोज़ पड़ी हुई, ये पूरा केस है, मौलवी साहब ने थाने में करवा दिया कि जी बच्चों ने तो इन्हें साहबा किया है। उसके ऊपर फिर सब लोग गए और सब लोगों ने जाके वहाँ से मौलवी साहब से माफ़ी मांगी, डॉक्यूमेंटेड वीडियो ही बच्चों ने जाके, जो अहले तशय्यो के हैं, अहले तशय्यो के बच्चे हैं, जो बाहर हाल मसलकी इख्तलाफ है 1400 साल से, और उन्होंने वहाँ पे जाके उनके कहने के ऊपर साहबा कराम जिंदाबाद उनके नाम लेके नारे लगाए, तब जाके बाद रफा दफा हुई। अभी 2-3 दिन पहले मर्दान में जो केपीके में वाकया हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक पर्सन ने कहा कि मैं उसकी इस तरह इज्जत करता हूँ और उसको मार दिया, ये दहशतगर्दी की बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इसके बाद है क्या कि आपने स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने कुछ नहीं किया, स्टेट इस चीज़ से डरती है कि आप किसी एक फिरके के ऊपर हाथ डालेंगे। अभी इस वक्त हमारी हाफिज साद रिजवी साहब का पॉलिटिकल इस पाकिस्तान के अंदर गेन क्या है? ही इज़ नथिंग, सिर्फ एक क्या है कि वो एक ऐसी पार्टी के लीडर हैं जिसको हमने खुद बनाया हुआ है, हमने बनाया था कि जब हमें दिल करेगा हम उसको उठा लेंगे, और अब साद रिजवी साहब एक थ्रेट हैं, वो नहीं हो सकते। तो हम इसको समटाइम्स, चूंकि ये हमें सूट करती है अपने मकासद के लिए, हम इनको यूज, आपकी बात काट रहा हूँ, वक्ती तौर पे हमें सूट करती है, सूट नहीं करती, डेफिनेटली ऐसी चीज़ें कभी भी किसी कंट्री के लिए, किसी नेशन के लिए सूट कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्ती तौर पे 2 दिन के फायदे को देखते हुए हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं और फिर 200 साल उन ग्रुप्स को हमें भुगतना पड़ता है। ये चीज़ ऐसे ही अभी तक हमें भुगतना पड़ रहा है,
इन्होंने बताया कि भाई अभी इस तरीके से जैसे अगर फिरका वारियत होगी, एक दूसरे से खिलाफ होंगे, तो हम तो दुनिया को जाके ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मिनोरिटीज़ बहुत सेफ हैं, हम तो आपस में इस तरीके से शिया सुन्नी हम लोग सेफ नहीं है। और अगेन ये हम इनमें से किसी के भी मेन स्ट्रीम लोगों को पकड़ के आप सजा नहीं दे सकते। अच्छा क्यों नहीं दे सकते? चूँकि हमें ये लोग चाहिए, हमें अपने पर्सनल गेन्स के लिए ये लोग चाहिए, हमें पॉलिटिकल यूज़ के लिए ये लोग चाहिए। इसका मतलब है ये लोग चाहिए, हमें अफगानिस्तान में भेजने के लिए ये लोग चाहिए, कश्मीर भेजने के लिए ये लोग चाहिए, अपने करने के लिए ये लोग चाहिए। हम लोग खुद इनको यूज़ करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद जब हमारे अपने लोग मरते हैं तब हमें लगता है यार उसने गलत किया। और हमारे अपने लोगों में भी अगर अब ब्लडी सिविलियन मरता है नो वन केयर्स। अभी पारा चनार में कुछ दिन पहले कुछ सात असाजा को उन्होंने मार दिया इसी फिरका वारियत का करके, एंड नो वन मैटर्ड। आप किसी मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसकी बात नहीं आई। और हमने अभी आप देखें, कुछ अल्लाह करे किसी को भी अल्लाह ताला ऐसी शहादत ना दे या किसी की भी ना हक जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी हमारा कोई इदारे का कोई पर्सन मरेगा तो मेनस्ट्रीम चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस आएंगी, वो शहीद किए गए हैं, मैं मर जाऊंगा, ये मर जाएगा, आप मर जाएंगे, नो वन वुड केयर, हमें उठा लिया जाएगा। सर मैं आप बताऊं, उन्हें शहीद कहा जाएगा और इवन हमारे में से अगर कुछ होगा तो ये कहा जाएगा गुस्ताखी, अल्लाह माफ़ करे। मैं मतलब ये कि ऐसी बातें करते भी थोड़ा डर लगता है, हमारे ऊपर टैग लगा दिया जाएगा। लेकिन अब ज़रूरत है कि हमें बात खुल के करने की ज़रूरत है, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ये मेरी बेहतरी या इनकी बेहतरी नहीं है। अगर ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दुख के साथ, पाकिस्तान के लिए इनकी मोहब्बत है, चेंज चाहते हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में चेंज चाहता हूँ। हम दुनिया को जाके कहते हैं जी फलस्तीन में ये हो गया, बर्मा में ये हो गया, कश्मीर में ये हो गया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में, लाहौर में क्या हो रहा है, ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, पहले अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ, आपने बोला कि इंडिया वहाँ पर बैठ के नैरेटिव बनाता है कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं, टेररिज्म को ये प्रमोट करते हैं, तो फिर जैसे आपने बात बताई इसका मतलब तो ये हुआ कहीं ना कहीं उनका नैरेटिव में भी सदाकत है। यार उनके नैरेटिव में सदाकत शायद हो शायद ना हो, लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है हम उसे सही तरीके से कोप नहीं कर रहे, हम उसको काउंटर नहीं कर रहे। हम जो भी हमारे यहाँ पे हो रहा है हम लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो उस नैरेटिव को बिल्ड करें। प्रॉबेबली हम प्रमोट नहीं कर रहे इसको, टेररिज्म को हम प्रमोट नहीं कर रहे, इंतहा पसंदी को, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उसको ख़त्म करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप रही और बहुत ऐसी बातों के ऊपर डिस्कशन की जिनको आम पाकिस्तानी शायद बोलने से ही डरता है, लेकिन उन्होंने बातें की। जब तक हम बोलेंगे नहीं पाकिस्तान में चेंज नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे वो मैं अपने दिल को खुश कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकली कोई उसके लिए मेरा कुछ उसके अंदर अपना किरदार नहीं होगा। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वहीद अब्बास। आपका नाम? आकिफ मेहदी। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में, क्या सब्जेक्ट? जीसी यूनिवर्सिटी में BS Physics। BS Physics। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की अगर बात करें, और इस कंडीशन में अपने नेबर कंट्रीज खासतौर पर इंडिया और अफगानिस्तान के साथ रिलेशन की बात करें, पहले तो मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि रिलेशन हमारे बेहतर हैं या नहीं है? जी देखा, हम जब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल स्टांस पाकिस्तान का और पॉलिटिकल स्टांस इंडिया और अफगानिस्तान का, तो ये बेहतर नहीं है मेरे ख्याल में। जो अभी रिसेंट रिवॉल्यूशन आया अफगानिस्तान के अंदर और इंडिया के साथ जो क्लेश है जब से ये इंडिपेंडेंट हुआ है, बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं, रीजन क्या है? रिसेंटली बिलावल भुट्टो 2 दिन के विजिट के लिए इंडिया के, आपको शायद पता होगा SCO की मीटिंग में वो गए, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी, वहां पे भी जाके उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि बजाय रिलेशन बेहतर होने के कोई होप के वो उल्टा नेगेटिविटी की तरफ गया। उन्होंने ये बोला कि हम G20 के हवाले से, उन्होंने बोला कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखी, मतलब एक थ्रेट टाइप हुआ, जो बाद में उन्होंने क्लियर किया कि जी धमकी नहीं थी, हम आप मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। क्या ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? सेकंडली, क्या ऐसी स्टेटमेंट का इंडिया को कोई नुकसान होगा? इंडिया को मतलब ऐसी स्टेटमेंट का कोई नुकसान? यार जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान की कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, ये हमेशा से रही है, दूसरे किसी स्टेट के अंडर उन्होंने पॉलिसी अपनी रखी हुई है। बिलावल ने एक स्टांस दिया हुआ है तो अपनी फेम के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेम के लिए उसने दिया होगा, हीरो बन जाऊंगा, इसका ओवरऑल स्टेट का कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। ठीक है, ज़ाहरी बात है, देखे ना, ये यूथ से पूछ रहा हूँ, इनसे पूछा, पहले जिन लोगों से पूछा, सब यही कह रहे हैं कि भाई ऐसी स्टेटमेंट अगर दी है तो नहीं देनी चाहिए थी। तो आप पाकिस्तान के लोगों को, मुझे इन्हें रिप्रेजेंट करने वहां पे गए थे, आपने अगर ये स्टेटमेंट दी है तो थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये बताएं क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ा? नहीं नहीं, इस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया इस वक्त एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, उस पर कोई इस तरह के स्टेटमेंट असरअंदाज नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त आप ये देखें ना कि दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की एक बेहतरीन पोजीशन है, उसके ताल्लुकात अब ये G20 में देखें, हाँ बिल्कुल, उसका एक अपना एक वर्थ है।
तो इस तरीके मेरे ख्याल में कोई इंडिया को नुकसान नहीं है। अच्छा, आपने बोला कि पाकिस्तान हमेशा जो जो पॉलिसी रही है वो किसी दूसरे कंट्री या स्टेट के कहने पे पॉलिसी बनाते रहे हैं। आजकल आपके ख्याल में हम यूएसए के कहने पे पॉलिसीज बना रहे हैं, चाइना के कहने पे पॉलिसीज बना रहे हैं, या कोई और कंट्री है जिसके कहने पे हम पॉलिसी बना रहे हैं? देखिए ना, पॉलिसी इस पे बनती है कि वो कंट्री इकोनॉमिकली कितना स्टेबल है, ठीक है, हमें कितना फायदा दे रहा है। अब वो जब जाहिर से बात है, मैं किसी से उधार ले लेता हूँ, ठीक है, अब मैंने उसके मुताबिक ही चलना है, ठीक है, पूरा मुल्क लोन पे चल रहा है, तो जाहिर से बात आपकी पॉलिसी भी इस तरह की हो कि सामने वाला बंदा या सामने वाला स्टेट जो है वो जिस तरह की पॉलिसी वो कैटेगराइज करता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, आपने उसी को एक्सेप्ट ही करना है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमें वक्ती तौर पे शायद मतलब एक दिन दो दिन या एक हफ्ता दो हफ्ते के लिए तो फायदा हो सकता है किसी के कहने पे, ये लॉन्ग टर्म ऐसे तो हम ऐसा नहीं होगा कि ना धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना गार्ड का। थोड़ी तल्ख एग्जांपल है ये, मैं अपने लिए लेता हूँ, अपने पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देखो, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए हम अभी रेमेडी के सोचते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इकोनॉमी को स्टेबल करना पड़ेगा। जब इकोनॉमी स्टेबल होगी तो आपकी जो पॉलिसी होगी वो आपकी अपनी स्टेट के अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से होगी, और इसको स्टेबल करने के लिए आपको अपने मींस ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को एतमाद में और इसको लाने के लिए फिर आपको अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपको स्टेबल करने के लिए आपको यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जैसे हमें इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के हवाले से काम करना चाहिए, मैंने बोला फॉरेन इन्वेस्टर, तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आने से डरते हैं, यहाँ पे बिजनेस इवन यहाँ पे जो मौजूद थे ऑलरेडी वो बाहर वापस जाते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं। उसकी एक वजह ये है ना कि इनकी पॉलिसीज, फिर वही बात कर रहे हैं कि देखो हर चीज पॉलिसी पे बेस्ड होती है। हाँ बिल्कुल, तो इनकी पॉलिसीज बिल्कुल कोई बेहतरीन पॉलिसीज नहीं है कि कोई बाहर से इन्वेस्टर आए यहाँ पे इन्वेस्ट करे। सही है, ये चेंज आएगा या हम ऐसे ही सड़कों पे मतलब हम यूथ डिस्कस करते रहेंगे और बस ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, कोई चेंज आएगा आपको लगते आने वाले 5 साल 10 साल में कोई चेंज आने की उम्मीद है? जैसे देखें, मैं ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि जो एजुकेटेड यूथ है पाकिस्तान की, कहीं ना कहीं अब सोच उनकी बदल रही है, मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चेंज आ सकता है, लेकिन उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। और अभी जो हमारी कंडीशन है, इस हिसाब से हमें देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे जो 30 से 50 ईयर्स है वो हमें डार्क दिखाई देते हैं, क्योंकि हम इतने जो है ना बर्डन के शिकार हैं ऑलरेडी। बिल्कुल, उसके लिए आप देखो अपनी पूरी इकॉनमी, आपके सारे लोन्स, आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, आपकी बेसिक रूट लेवल से आपको जाना पड़ेगा इस लेवल तक कि आप जाके अपनी फॉरन पॉलिसी बनाए, अपनी इकॉनमी स्टेबल करें, अपनी जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट करें, ठीक है, तो वहाँ से काम स्टार्ट होना चाहिए। साइड पे हमें 30 से 50 साल आपके बकौल लग सकते हैं स्टेबल होने में, और दूसरी साइड पे जो आपने बोला इंडिया एक इमर्जिंग इकॉनमी है, तो हम क्यों उनसे बार बार मुकाबला करते हैं बजाय सीखें और रिलेशन बेहतर करें, और हम फिर जाके धमकियां दें या धमकियां लें, क्यों ऐसा करते हैं?